आधार कार्ड को लेकर लोगों को हो रही परेशानियों को दूर करने रायपुर के शहीद स्मारक भवन में आधार समस्या निवारण शिविर का आयोजन 1 व 2 जून को आयोजित किया गया है। शिविर का आयोजन UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद तथा चिप्स की ओर से आयोजित हो रही है। 2 दिनों तक चलने वाले शिविर में लोगों की आधार से जुड़ी समस्याओं को सुलझाया जाएगा। बता दें, शिविर में UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद के अधिकारी मौजूद हैं। शिविर में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI की टीम द्वारा सुबह 10 बजे से आम लोगों की आधार से जुड़ी समस्याओं का निराकरण UIDAI के अफसर द्वारा किया गया। शिविर में इसके अलावा आधार में अपडेशन या अन्य जानकारियों को बदलने में जो दिक्कतें आ रही हैं, उसे भी शिविर सुधारने की कोशिश की गई। मीडिया से चर्चा के दौरान UIDAI के सदस्य हितेश सिंह ने बताया कि शहीद स्मारक रायपुर में 2 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में आधार से जुड़ी परेशानियों को दूर किया गया। इसमें ऐसे लोग जिनके आधार नहीं बन पाए हैं, जिनके आधार गुम हो गए, बायोमेट्रिक्स व डेमोग्राफिक्स, पता अपडेट, जन्मतिथि, नाम, लिंग अपडेट, ई आधार डाउनलोड करने में परेशानी, मोबाइल अपडेट होने के बावजूद OTP नहीं आने सहित अन्य समस्याओं का निराकरण किया गया। आधार शिविर का आयोजन किया गया, कार्यशाला का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी आधार ऑफिस ने जो हेडक्वार्टर है, लास्ट ईयर में करीब 22 ट्रेनिंग सेशन पूरे इंडिया में ऑर्गेनाइज किए थे। उसी कड़ी में इस साल हमने करीब 100 से ज़्यादा ट्रेनिंग सेशन मतलब ऑर्गेनाइज करने का सोचा है, तो उस कड़ी में आज जो आयोजन हो रहा है ट्रेनिंग का, उसमें है। तो इसमें क्या है कि जो अभी लेटेस्ट अपडेट हुए आधार के, जैसे आधार लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पब्लिश हुई है 26 जनवरी को नई, देन अपना डॉक्यूमेंट अपडेट वाला जो प्रोजेक्ट है, तो लोगों को उस बारे में जानकारी देना। जो ऑपरेटर्स हैं वो अच्छे से, कुछ ऑपरेटर्स हैं उनको मालूम नहीं है कि नया लिस्ट आ गया है या डॉक्यूमेंट लेना या नहीं लेना है, वो चीज़ के बारे में अपडेट करने के लिए ट्रेनिंग मतलब ऑर्गेनाइज किया गया है। मूल रूप से किस प्रकार की तकनीकी खामियां जो है आधार में देखी? नहीं नहीं, इसमें ये एक्चुअल में क्या है कि जो लोग ऑपरेटर जो आप जैसे आपको आधार अपडेट करवाना है या बनवाना है, आप शिविर पे जाते हैं तो वहाँ पे जो ऑपरेटर बैठे हैं उनको कैसे करना है क्या नहीं करना, उसके बारे में है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई एक डॉक्यूमेंट था, पहले वो अलाउड था किसी चीज़ के लिए, एड्रेस के लिए, अभी आज की डेट में वो नहीं है, तो ऑपरेटर को मालूम होना चाहिए ना कि भाई ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में अभी नहीं है तो इसको नहीं लेना है, और ये जो रेजिडेंट आ रहे हैं उनको भी अपडेट करें इस बारे में। अच्छा, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट अपडेट वाला, कि जिनको 10 साल से ऊपर हो गया है कोई डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं हुआ है तो उनको डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, तो वो चीज़ के बारे में हम ऑपरेटर्स को बता रहे हैं कि उनके आपके पास जो भी लोग आ रहे हैं तो उसको आप जागरूक करें, तो उसी कड़ी में। सर, सिविल में आए हैं, यहाँ पर सिविल में आए हैं, बोल रहे हैं कि 15-20 दिन तक समय लगेगा, सभी का जमा ले लिए हैं, कि आपको हैदराबाद से आपका फ़ोन नंबर आएगा, फ़ोन नंबर सभी का ले लिया, फ़ोन आएगा, आपको बताया जाएगा 15-20 दिन तक। ऐसा तो कभी हुआ है नहीं सर, 2 साल हो गए हमको देते हुए, अभी तक तो कोई फ़ोन आया नहीं है। कब सर? मेरा आधार कार्ड में मिसमैच है, मेरा और मेरे बहन का, और मिसमैच है, उसको सुधारना है, वो सुधर नहीं रहा है। दो साल हो गए घूमते हुए मेरे को, लगातार कभी रायपुर तो कभी बेमेतरा, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, फ़ोन आएगा ऊपर से हैदराबाद भेज रहे हैं, 2 साल हो गए सर हैदराबाद भेज रहे हैं, अभी तक तो कोई मैसेज आया ही नहीं है। तो शिविर में आप आए हो, आधार का क्या कुछ कहना चाहोगे? भैया, मेरा 10 साल हो गया, मेरा आधार कार्ड असली में अभी तक नहीं मिला है, और मेरा जो मैच अभी तक नहीं, मेरा दूसरे का चला गया, अभी तक बन नहीं रहा, मेरे को कुछ नहीं मिला है अभी तक, चावल नहीं, मेरे नंबर कुछ नहीं बना है अभी तक। शिविर में आए तो क्या कुछ लग रहा है? अभी बनाएंगे, देख रहे हैं, उसको बाद बता रहे हैं, हाँ बता रहे हैं। भैया क्या बोलिए, इसका क्या बोलिए सब? तो 1-1.5 बजे के बाद देंगे टोकन, उसके बाद देखेंगे। अब जैसे बोला है पीताम्बर राठिया। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।